इस कहानी की शुरुआत में एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि आपने ड्रैगन और वाइकिंग के आतंकी कहानियां तो सुनी होगी, जिनमें से कुछ आपकी फेवरेट होगी, मगर वो स्टोरीज रियल में सिर्फ कहानियां ही हैं, क्योंकि ड्रैगन रियल में नहीं थे। लेकिन मेरे पास एक ड्रैगन स्टोरी है जिसे आपने कभी नहीं सुनी होगी, और ये कहानी बिल्कुल रियल है, क्योंकि स्टोरी मेरी खुद की है और ये वॉइस इस स्टोरी के हीरो की थी, जिसका नाम टॉम कुलर्सन था। फिर ये सीन यही कट हो जाता है। अब हम टॉम को अपनी मॉम डॉक्टर कुलर्सन के साथ देखते हैं, जो कि एक हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में टॉम को लावा के झरने और एक बड़ी सी खाई दिखाई देती है, जिसके बारे में वो अपनी मॉम से पूछता है। तो कुलर्सन उसे बताती है कि ये खाई मयाना ट्रेन से भी अधिक गहरी है, इसकी गहराई 7 मील से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से इस खाई के अंदर जहरीली गैस, शार्प रॉक्स और लावा की नदी बहुत सी चीजें मिलती है। उसके बाद वो एक लेप पर लैंड करते है, क्योंकि कुलर्सन एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आई थी, जिसका नाम ICARIS था। लैंड करने के बाद उन्हें डायरेक्टर वोंग मिलती है, जो उन्हें अपने मिशन के बारे में बताती है। फिर वोंग टॉम को अपनी बेटी जून से मिलवाती है, जो कि टॉम की बचपन की फ्रेंड थी। फिर वोंग टॉम की मॉम को अपने साथ ले जाती है। वहीं जून टॉम से कहती है कि बचपन में तुम थोड़े अलग थे, तो टॉम कहता है कि हमें मिले हुए 8 साल हो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा बदल गया हूँ। तभी वहाँ फिल बेकर आते हैं, जो टॉम और जून से कहते हैं कि सभी बच्चों के आने के बाद हम ICARIS विजिटर सेंटर में चलेंगे। दरअसल फिल के पास जो भी लोग उनके मिशन में काम कर रहे थे, उनके बच्चों को प्रोटेस्ट करने की जिम्मेदारी थी। कुछ समय बाद वहाँ डीएंजिलो आता है, जो कि फिल का लड़का था। उसके बाद फिल सभी की परजेंट लेकर उन्हें अपने साथ लिफ्ट में ले जाते हैं और हर फ्लोर पर बने स्टेशन के बारे में बच्चों को बताते हैं। लेकिन विजिटर सेंटर को छोड़कर बच्चों को और किसी फ्लोर पर जाने की परमिशन नहीं थी। जब फिर सभी बच्चों को लेकर विजिटर सेंटर पहुंचते हैं, तभी टॉम सभी से डरकर रेड फ्लोर पर चला जाता है। दरअसल रेड फ्लोर हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, क्योंकि वहां पर एक्सप्लोर क्लास ड्रोन रखे हुए थे। जब टॉम रेड फ्लोर पर पहुंचता है, तो उसे एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए टॉम खाई के पास पहुंच जाता है। तभी वहां की एक ऑफिसर टॉम को देख लेती है और वो टॉम को यहां से जाने के लिए कहती है। तभी वो जगह हिलने लगती है और वहाँ भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ उड़ रहा ड्रोन दीवार से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ खड़ी एक लेडी खाई में लटक जाती है। उसे देखकर टॉम जल्दी से अलर्ट अलार्म बजाता है, ताकि सभी लोग मदद के लिए आ सके। फिर टॉम रस्सी लेकर उस ड्रैगन को बचाने की कोशिश करता है, मगर टॉम उस लेडी को ऊपर नहीं खींच पाता और वो भी खाई में गिरने वाला था। तभी फिल आकर पीछे से टॉम के पैर पकड़ लेते हैं और टॉम के साथ उस लेडी को भी बचा लेते हैं। लेकिन टॉम ने खाई में किसी करंट वाली चीज को उड़ते देखा था, जिसके बारे में वो फिल से पूछता है। तो फिल उसे कहता है कि तुम जिंदा हो, तुम्हारे लिए ये काफी है। तभी वहाँ टॉम की मॉम आती है, जो टॉम को गले लगाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो टॉम कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कुलर्सन पूछती है कि तुम खाई में कैसे गिरे। तो फिल बताता है कि तुम्हारे बेटे ने एक लेडी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ इसे नहीं आना चाहिए था। तभी वहाँ वोंग आती है, जो टॉम पर गुस्सा होती है। तो कुलर्सन उसे कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब से टॉम हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसे वापस भेज दूंगी। उसके बाद टॉम फिल के साथ चला जाता है। फिर टॉम को बताता है कि वो खाई बहुत डेंजर है, इसीलिए तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। उसके बाद टॉम अपनी मॉम के साथ घर वापस आ गया था, मगर उसकी मॉम उससे बहुत नाराज थी और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस मिशन के लिए बहुत उत्सुक हो, लेकिन इस गलती की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो टॉम कहता है कि मैं बस वहाँ एक ड्रोन देखने गया था। उसके बाद दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। तभी कुलर्सन को कॉल आता है और वो टॉम से कहती है कि मुझे जरूरी काम है, इसीलिए मुझे जाना होगा, और वहाँ से चली जाती है। फिर टॉम को अपना ड्रोन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि मैं खाई के पास नहीं जा सकता, मगर मेरा ड्रोन वहाँ जा सकता है, और बाहर बैठकर अपने ड्रोन को उड़ाने लगता है। तभी उसके पास जून आती है, जो टॉम से कहती है कि मुझे पता है कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे सब पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने तुम्हारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ा है। तो टॉम उसे बताता है कि मैंने खाई में देखा था कि कुछ बड़ी सी चीज उड़ रही थी। तो जून कहती है कि हमें तुम्हारे ड्रोन की मदद से उस खाई को देखना चाहिए, और वो ड्रोन को उड़ाने लगती है, जो एक शिप से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से शिप के आधे बाल कट जाते हैं। फिर जून टॉम से कहती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने
जाने वाला है और वो टॉम को एक कार देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टॉम अपने ड्रोन को खाई के पास भेजता है, तभी कोई पावर उसके ड्रोन पर अटैक करके उसे तोड़ देती है। ये देखकर टॉम खाई में अपने ड्रोन को वापस लेने जाता है और वो किसी तरह खाई में उतर कर एक चट्टान से अपना ड्रोन लेकर जाने लगता है। तभी उसे किसी एनिमल की वॉइस सुनाई देती है, जिसे सुनकर टॉम भागने लगता है। मगर टॉम को लगता है कि उस एनिमल को मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए वो फिर से उस एनिमल के पास जाता है और उसकी पूंछ को एक स्टोन के नीचे से निकाल देता है। तभी वो एनिमल अपनी पावर से सारे स्टोन को तोड़ देता है और बाहर निकलता है, जो कि एक ड्रैगन था, जिसे देखकर टॉम डर जाता है और ध्यान न होने की वजह से वो खाई में गिर जाता है। मगर टॉम किसी तरह से खुद को रोककर फिर से ऊपर चढ़ जाता है। तभी ड्रैगन उसके पास आता है, जिसे टॉम अपनी टॉर्च से डराता है, मगर ड्रैगन अपनी लाइट पावर से टॉम की टॉर्च को खराब कर देता है। लेकिन किसी तरह टॉम टॉर्च को ऑन करके ड्रैगन को डराकर भगा देता है और फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। मगर चट्टान के टूटने की वजह से वो खाई में गिरने लगता है। मगर तभी वो ड्रैगन आकर टॉम को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ उड़ाकर अपने केव में ले जाता है, जहां टॉम ड्रैगन को शांत करके वहां से निकलने का रास्ता ढूंढता है। तभी ड्रैगन उस पर हमला करके उसके बैग को छीन लेता है, क्योंकि उसे खाने की खुशबू आ रही थी। ड्रैगन बैग में से बोतल निकालकर खेलने लगता है। यह देखकर टॉम जब उसके पास जाता है तो टॉम का बैग लेकर भागने लगता है और उसमें रखे चिप्स को निकालकर रैपर समेत खा लेता है, जिसकी वजह से ड्रैगन को डकार आती है, जिसके छींटे टॉम के मुंह पर लग जाते हैं। उसके बाद टॉम वहां से जाने लगता है तो ड्रैगन उसे पकड़कर लेब तक छोड़कर जाता है। लेकिन ड्रैगन को उजाले से डर लगता था, इस वजह से वो अपने पावर से लेब की सभी लाइट को खराब कर देता है और टॉम को लेब में छोड़कर वहां से चला जाता है। मगर टॉम को फिर देख लेता है, जो उसे पकड़कर उसकी माँ के पास ले जाता है और उसे कहता है कि मैंने इसे खाई के आसपास टहलते देखा। यह सुनकर कुलरसन टॉम को डांटने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें साफ तौर से खाई से दूर रहने के लिए कहा था। मेरे लिए तुम्हारा जिंदा होना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर अब से तुम्हारे स्कूल की छुट्टी भी रहेगी तो तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। अगर तुम इस घर के 100 मीटर के दायरे से दूर गए तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। ये सुनकर टॉम काफी उदास होता है और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह डी जून से कहता है कि मेरे डैड टॉम की वजह से परेशान है, क्योंकि वो रात में फिर से खाई के पास चला गया था, मगर लेब अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, कुछ भी आशा हो सकता है। तो जून डी के जेब में एक टेरो कार्ड रखकर कहती है कि तुम्हें उसकी काफी चिंता है और वहाँ से टॉम के पास जाती है और उसे पूछती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब होगा, तो क्या वो हुआ? टॉम ड्रैगन की पेंटिंग बना रहा था और वो जून से कहता है कि मुझे ठीक से नहीं पता, पर हाँ थोड़ा बहुत अजीब मेरे साथ हुआ है। दूसरी तरफ डी एलेक्स नाम की एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, मगर उसकी बातों का बिल्कुल रिप्लाई नहीं देती। वहीं जून को पता चल गया था कि टॉम ने खाई में कुछ देखा है, तो टॉम उसे ड्रैगन की पेंटिंग बताता है। मगर जून को कुछ समझ नहीं आता तो टॉम बताता है कि मेरे हिसाब से या तो ये बेट है या फिर उड़ने वाला डायनासोर है। तो जून कहती है कि हो सकता है कि डायनासोर या ड्रैगन हो। तो टॉम कहता है कि ड्रैगन असली नहीं होते। तो जून कहती है कि ड्रैगन की कहानियां हम हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ड्रैगन रियल है। तभी एलेक्स कहती है कि अगर ड्रैगन होते तो इंसान उन्हें पकड़कर मार देते, उसके बाद उनकी बॉडी के जूते बेल्ट या बर्गर बनाते और इस तरह से ह्यूमन काफी बड़ा बिजनेस करते। ये सुनकर टॉम वहाँ से जाने लगता है। तभी जून भी उसके पीछे जाकर उसे पूछती है कि तुम अपने ड्रैगन के बारे में बताओ। तो टॉम कहता है कि वो ड्रैगन नहीं है और मौका देकर वहाँ से गायब हो जाता है और अपने घर जाकर ड्रैगन के लिए बहुत सारा खाना पैक करने लगता है। तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है तो टॉम कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं सभी खाने वाला हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम जाने लगती है तो अपनी माँ से पूछता है कि क्या हमें खाई में से जानवर मिल सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि विज्ञान के हिसाब से वहाँ कोई जीव नहीं है और इस मिशन पर सरकार ने $1 अरब खर्च किए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस खाई में बहुत कीमती खजाना है। यह सुनकर टॉम थोड़ा उदास हो जाता है। तभी उसकी माँ को कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टॉम खाई के मैप को चेक करने लगता है, वहीं एलेक्स उसके पीछे आती है, जिसे देखकर टॉम चौंक जाता है। फिर एलेक्स उसे बताती है कि तुम जिन मैप को
देख रहे हो वो बेकार है क्योंकि कुछ साल में यहाँ बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नए नक्शे हैं जो कि एक कंपनी ने तैयार किए हैं। उन मैप को देखकर टॉम पूछता है कि तुम्हारे पास से कहाँ से आए, तो एलेक्स बताती है कि उसने सीना बोट 538 की मदद से आइकेरिस के सर्वर को हैक कर लिया है। तो टॉम उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम उन मैप को मेरे फोन पर सेंड कर सकती हो, जिसके लिए एलेक्स मान जाती है। उसके बाद एलेक्स सबसे छिपता हुआ ड्रैगन के पास जाता है, मगर उसे रास्ते में अपनी मॉम दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो पौधे के पीछे छिप जाता है। तभी एक भेड़ आकर टॉम के हाथ में लगे पिज्जा को छुड़ाने लगती है, लेकिन टॉम किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और न्यू मैप की मदद से ड्रैगन की केव के अंदर चला जाता है, जहाँ ड्रैगन उस पर अचानक से हमला करता है। तो टॉम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीजें लाया हूँ, लेकिन ड्रैगन को सब पसंद नहीं आती और वो उन्हें उठाकर फेंक देता है। तभी उसे एक डिश पसंद आती है, जिसे खाकर वो टॉम के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से टॉम पूरा गंदा हो गया था। फिर टॉम एक एक करके ड्रैगन को खाने की चीजें बताता है, मगर ड्रैगन कुछ नहीं खाता। फिर टॉम उसके सामने मछली से बनी चॉकलेट डालता है, जिसे खाकर ड्रैगन काफी खुश होता है और वो टॉम को भी एक चॉकलेट खाने के लिए मजबूर करता है। इस तरह से वो सारी चॉकलेट खत्म कर देते हैं। उसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पूरी खाई के चक्कर लगाते हैं। तभी खाई में ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से टॉम ड्रैगन के हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरने लगता है, मगर ड्रैगन उसे बचा लेता है और फिर से उसकी केव में चले जाते हैं। मगर केव में एक छेद हो जाता है, जिसे देखकर ड्रैगन को काफी गुस्सा आता है और वो पूरी दीवार को तोड़ देता है, जिसके पीछे बहुत सारे ड्रैगन रहते थे। ड्रैगन वर्ल्ड को देखकर टॉम काफी खुश होता है, मगर तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर पर पहुंचने वाली है। लेकिन उनके जाने से पहले टॉम को अपने घर पहुंचना था, इसीलिए वो ड्रैगन की मदद से जल्दी से अपने घर जाने लगता है। अब ड्रैगन ने फिर से सारी लाइट्स को अपनी पावर से ऑफ कर दी थी, ताकि कोई उसे देख ना ले, और वो जल्दी से टॉम को अपनी माँ के पहुंचने से पहले घर छोड़ देता है। अगले दिन टॉम फिर से ड्रैगन के पास जाने की कोशिश करता है, मगर टॉम ने उसके घर के बाहर सेंसर लगा दिए थे, जिसकी वजह से टॉम अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो इस बारे में फिल को भी पता चल जाएगा। इसीलिए टॉम सेंसर को हैक करने के लिए एलेक्स की मदद लेता है। थोड़ी बहस के बाद एलेक्स टॉम के मोबाइल में सेंसर को हैक करने का सॉफ्टवेयर डाल देती है, जिसकी मदद से टॉम सेंसर को हैक करके वहाँ से निकल जाता है। मगर जून ने उसे देख लिया था, इसीलिए उसका पीछा करते हुए ड्रैगन केव के बाहर आ गई थी, जिसे देखकर समझ गया था कि जून छिपकर उसका पीछा कर रही है। वहीं जून को भी पता चल गया था कि टॉम ने जिस ड्रैगन को देखा था वो इसी केव में है, मगर टॉम उसे झूठ बोलता हुआ कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो, यहाँ कोई ड्रैगन नहीं है। मगर जून उसकी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि वो टॉम को बचपन से जानती थी। फिर केव के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखकर जून डर जाती है, मगर ड्रैगन टॉम के साथ मस्ती करने लगता है। इस बात से जून काफी हैरान होती है और वो टॉम से कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने रियल ड्रैगन है। उसके बाद टॉम जून और ड्रैगन की दोस्ती करवा देता है और टॉम ड्रैगन का नाम थंडर रखता है, क्योंकि उसके पास बिजली की पावर थी। उसके बाद तीनों आपस में खेलने लगते हैं। तभी जून थंडर की पिक लेने लगती है, ताकि अपनी मॉम को बता सके, मगर टॉम उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात उन दोनों की मॉम को पता चली तो ये थंडर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी माँ जिस कंपनी के लिए काम करती थी उसका गोल बस पैसे कमाना था। उसके बाद टॉम जून को ड्रैगन वर्ल्ड दिखाने के लिए थंडर के ऊपर बैठने को कहता है, तो जून पहले थोड़ा डरती है, मगर बाद में वो थंडर के ऊपर बैठ जाती है। फिर वो खाई में घूमते हुए ड्रैगन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ड्रैगन वर्ल्ड को देखकर जून काफी खुश होती है। तभी उसके पास एक छोटा सा ड्रैगन आता है, जिसे वो गले लगा लेती है। तभी वो सब देखते हैं कि कुछ ड्रैगन क्रिस्टल खा रहे हैं, जिन्हें देखकर जून उनके पास जाने लगती है, मगर उसकी इस की वजह से ड्रैगन भड़क गए थे और जून को मारने के लिए उस पर हमला करते हैं। तभी थंडर जून और टॉम को लेकर वहाँ से उड़ने लगता है, मगर ड्रैगन अपनी फायर पावर से थंडर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और सभी पर फिर से हमला करते हैं। ये देखकर सभी अलग अलग भागने लगते हैं। तभी जून एक पानी के गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ पानी के अंदर से दो मुंह वाले ड्रैगन निकलते हैं, जो कि उस गड्ढे में फंसे हुए थे और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था।
दूसरी तरफ टॉम और थंडर उन ड्रैगन से छिपकर जून को ढूंढने लगते हैं और उन्हें जून की आवाज से पता चल गया था कि वो गड्ढे के अंदर है। फिर वो जून से गड्ढे की रूफ को तोड़ने के लिए कहते हैं, मगर जून ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर था कि ड्रैगन के साथ वो भी रूफ के हमले में दब सकती है। इसीलिए वो टॉम से कहती है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इन ड्रैगन को ट्रेन करके यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी है। यह सुनकर टॉम थंडर के साथ भागने लगता है। वहीं जून ड्रैगन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है मगर उस पर ही हमला कर देते हैं। तो जून अपने एक लॉकेट की मदद से ड्रैगन पर कंट्रोल करती है मगर ड्रैगन उसके लॉकेट को भी खा लेते हैं और जून को उठाकर इधर उधर पटकने लगते हैं। दूसरी तरफ थंडर उड़कर उन ड्रैगन से बचने की कोशिश करता है मगर दूसरे ड्रैगन भी उड़कर उन पर हमला करते हैं। इस बात से गुस्सा होकर थंडर सभी पर हमला करता है और उन्हें क्रिस्टल की दीवार में फंसा देता है। वहीं जून हार मानकर बैठ जाती है। तभी ड्रैगन उसके पास आते हैं और जून से दोस्ती कर लेते हैं। फिर जून बातें करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेती है। उसके बाद जून दो मुंह वाले ड्रैगन का नाम वू और वाई रखती है। फिर वो ड्रैगन अपनी पावर का यूज करके क्रिस्टल की दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और जून को उसका लॉकेट भी वापस कर देते हैं जिसे वो पहन लेती है। उसके बाद टॉम और जून ड्रैगन की ओर से बाहर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक होल दिखाई देता है जिसे देखकर दोनों ड्रैगन काफी गुस्सा होते हैं। ये देखकर टॉम को लगता है कि यह होल ड्रैगन ने किया होगा मगर जून को लग रहा था कि यह किसी और का काम है। तो टॉम उसे कहता है कि हमें नहीं पता कि यह किसने किया, हमें बस यहाँ से भागना चाहिए। तभी उन्हें एक और ड्रैगन दिखाई देता है जो कि जख्मी था, जिसे देखकर टॉम को लगता है कि मुझे इस ड्रैगन की मदद करनी चाहिए मगर जून उसे समझाती है कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, यह तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मगर टॉम को लगता था कि जैसे उसने थंडर की मदद की थी वैसे ही वो उस ड्रैगन को भी बचा लेगा और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। थंडर भी उसे रोकने की कोशिश करता है मगर टॉम नहीं रुकता। जैसे ही टॉम उस ड्रैगन के करीब जाता है वो टॉम पर हमला कर देता है मगर थंडर उसे बचा लेता है। तभी टॉम और सभी देखते हैं कि ड्रैगन उड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लैब से फर्स्ट एड किट लेकर आएंगे और उस ड्रैगन की मदद करेंगे और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक ड्रोन दिखाई देता है जिसे थंडर अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं लैब में जब टॉम की मॉम को पता चलता है कि एक ड्रोन टूट गया तो उस ड्रैगन से ली हुई लास्ट फुटेज देखने लगती है। तभी उसे एक इलेक्ट्रिक लाइट दिखाई देती है और जब वो फोटो को जूम करती है तो उसे ड्रैगन की शेडो दिखाई देती है मगर उन्हें पता नहीं चलता कि ये क्या है। वहीं एलेक्स ने लैब के सिस्टम को हैक कर रखा था, इस वजह से उसे भी इस पिक के बारे में पता चल जाता है और वो इस बारे में टॉम को बताने के लिए कॉल करती है मगर टॉम बिजी होने का बहाना करके उससे ठीक से बात नहीं करता। वहीं टॉम और जून लैब में पहुंच गए थे तभी वहां एक बहुत तेज भूकंप का झटका आता है जिसके जाने के बाद वो लैब के अंदर चले जाते हैं जहां डी कुछ बॉक्स जमा रहा था लेकिन भूकंप की वजह से वो बॉक्स के बीच दब गया। तभी वहां डी की मॉम आती है जो कि विकलांग थी। वो टॉम को उसके काम करने में मदद करती है और उसे पूछती है कि आज स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ काम कर रहे हो जबकि तुम्हें तो अपने दोस्तों के साथ होना चाहिए था। तो डी बताता है कि जून और टॉम अक्सर गायब रहते हैं और एलेक्स को बस अपना टेबलेट पसंद है और मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस वजह से डी बहुत उदास होता है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें बस केयरफुल रहना होगा और जल्द ही वो लोग तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ छिपकर जून और टॉम आते हैं जो कि लैब से फर्स्ट एड किट लेकर जा रहे थे मगर डी उन्हें ऐसा करता देख लेता है तो दोनों झूठ बोलते हुए कहते हैं कि हमें एक इंजर्ड चिप के लिए मिली है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं। तो टॉम कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा क्योंकि मेरे दादा एनिमल डॉक्टर थे और मैंने उनके साथ बहुत से जानवरों का इलाज किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर टॉम इस बात के लिए एग्री नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि डी ड्रैगन के सीक्रेट के बारे में सभी को बता देगा, साथ ही अगर उसके डेट को पता चला तो वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज है जो ड्रैगन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मगर जून उसे कहती है कि मुझे लगता है कि डी उस काम के लिए ठीक है और उसे अपने साथ ले जाती है। टॉम रास्ते में डी से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ
के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे तो डी कसम खाकर कहता कि मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। और सभी ड्रैगन क्यू में पहुंच जाते हैं जहाँ डी ड्रैगन को देखकर घबराकर बेहोश हो गया था। इस मौके का फायदा उठाकर टॉम डी को ड्रैगन के ऊपर बिठाकर ड्रैगन वर्ल्ड ले जाने लगता है। तभी टॉम को होश आता है मगर वो खुद को ड्रैगन के ऊपर बैठा देखकर डर जाता है और सभी से कहता है कि हम इस बात को छिपा नहीं सकते, हमें इसकी रिपोर्ट करनी होगी। तो जून और टॉम उसे बताते हैं कि ड्रैगन ह्यूमंस के फ्रेंड है और इनकी सेफ्टी की वजह से हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। उसके बाद वो सभी ड्रैगन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहां डी बहुत सारे ड्रैगन को देखकर बेहोश हो जाता है। फिर थंडर अपनी पावर से डी को होश में लाता है। डी के होश में आने के बाद वो उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है मगर जून उसे किसी तरह कन्विंस कर लेती है। उसके बाद सभी उस ड्रैगन के पास जाते हैं। ड्रैगन को देखकर डी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पास जाता है मगर ड्रैगन खुद को अनसिक्योर फील करता है जिसकी वजह से वो टॉम पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी छिप जाते हैं और टॉम एक बार फिर से सभी पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे किसी ने नहीं बताया था कि ड्रैगन इस तरह से भी हमला कर सकते हैं। फिर डी कहता है कि हमें उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ना होगा और उसकी मदद करनी होगी मगर तभी ड्रैगन उनके पीछे से आकर हमला करता है। तो डी कहता है कि तुम लोग बस मुझे मेरे घर जाने दो क्योंकि मैं अब और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। तभी वो देखता है कि ड्रैगन नहीं उड़ पा रहा है, इस वजह से डी उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है और बेहोशी का इंजेक्शन हाथ में लेकर भागते हुए ड्रैगन की तरफ जाता है। तभी ड्रैगन उस पर बहुत सारे हमले करता है मगर डी सभी हमलों से बचकर उसके इंजेक्शन लगाने वाला था। तभी ड्रैगन हमले करना बंद कर देता है। ये देखकर टॉम इंजेक्शन नहीं लगाता और ड्रैगन की चोट पर मलम लगाने लगता है जिस वजह से ड्रैगन भी उस पर हमला नहीं करता। तभी डी देखता है कि ड्रैगन के पंख पर क्रिस्टल लगा हुआ है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा। फिर डी उस क्रिस्टल को निकाल देता है जिसकी वजह से ड्रैगन उड़ने लगता है और वो अब सभी का अच्छा दोस्त बन गया था। तभी वहाँ कुछ दूसरे ड्रैगन आकर मिनी ड्रैगन को मारने लगते हैं। ये देखकर डी ड्रैगन को रोकने जाता है मगर वो ड्रैगन उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर सभी भागते हुए उन ड्रैगन पर हमला करते हैं मगर डी को छोड़कर सभी को ड्रैगन नीचे गिरा देते हैं। तभी डी का ड्रैगन क्रिस्टल की दीवार को ऊपर से तोड़ देता है जो हमला करने वाले ड्रैगन पर गिर जाती है जिसकी वजह से सभी ड्रैगन दब गए थे और डरकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर डी बहुत खुश होता है। उसके बाद सभी लैब में वापस आ जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी डी उनसे ड्रैगन क्लब की बातें करने लगता है तो टॉम कहता है कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना है इसीलिए ये सब चीजें तुम अभी डिस्कस मत करो। फिर सभी बच्चों से पूछते हैं कि आज तुम लोगों ने साथ में क्या किया तो डी गलती से ड्रैगन के बारे में सब कुछ बता देता है। यह सुनकर फिर चौंक जाते हैं तो डी की मॉम को लगता है कि यह कोई रोल प्ले गेम होगा और इस बात को टाल देती है। फिर सभी अपने ड्रैगन पर घूम रहे होते हैं तभी उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसे देखकर सभी छिपने लगते हैं। वही एक हाई ड्रैगन टॉम के सभी साथियों को पीछा करता है। फिर सभी केव के अंदर चले जाते हैं जहां टॉम सभी को बताता है कि हम लोगों को इन ड्रैगन को आम लोगों की नजरों से बचाना है इसीलिए हमें इन्हें हाई टेक्निक सिखानी होगी। ये सुनकर थंडर अपनी हाई टेक्निक के बारे में बताता है जिसे देखकर सभी काफी खुश होते हैं। फिर टॉम सभी को अपने ड्रैगन की हाई ट्रिक को दिखाने के लिए कहता है मगर टॉम और डी का ड्रैगन अपनी ट्रिक का ठीक से यूज नहीं कर पाते। दूसरी तरफ एलेक्स अपने सिस्टम में देखती है कि टॉम दिन में कई बार सिग्नल को जंप करता है, इस वजह से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पता लगा कर रहेगी क्या कि टॉम कहां जाता है। तभी वहां एलेक्स की मॉम अपने फ्रेंड के साथ आती है जो एलेक्स को बताती है कि आज उनकी छुट्टी है, इस वजह से वो शाम को कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तभी वहाँ भूकंप आता है जिसकी वजह से सभी छिप जाते हैं। फिर एलेक्स अपनी मॉम को उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है। ये सुनकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है मगर वो इस बात से बहुत परेशान होती है कि एलेक्स किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाती। उनके जाने के बाद एलेक्स अपनी मॉम की टॉर्च लेकर मैप की मदद से टॉम को ढूंढने के लिए जाती है। एलेक्स की आवाज सुनकर सभी केव से बाहर निकल जाते हैं। वहीं उनका पीछा करने वाला हाई ड्रैगन भी वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर सब एलेक्स को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। फिर जून कहती है कि हमें एलेक्स को ड्रैगन क्लब का हिस्सा बनाना चाहिए। तो टॉम कहता है कि अगर सभी को पता चल गया कि यहाँ ड्रैगन रहते हैं तो ये सीक्रेट नहीं रहेगा और ना ही हम ड्रैगन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तभी जून देखती है कि सभी ड्रैगन एलेक्स के पीछे खड़े होते हैं जिन्हें देखकर एलेक्स डरकर वहां से भाग जाती है।
जाती है तभी उसके घर में अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसे दरवाजे का खुलना, बर्तनों का गिरना। इन सब से डरकर एलेक्स अपने सिस्टम की मदद से लाइट ऑफ करके सो जाती है, मगर उसे लगता है कि टॉम उसे डराने के लिए ये सब कर रहा होगा, इसीलिए वो फिर से बाहर जाने की कोशिश करती है। मगर तभी उसके सामने एक ड्रैगन होता है जिसे देखकर एलेक्स डर जाती है और वो ड्रैगन भी हाइड हो जाता है। फिर एलेक्स अपने घर से भागने लगती है, तभी वहाँ टॉम अपने साथियों के साथ आता है जो झूठ बोलता हुआ एलेक्स से कहता है कि हमें जंगल में कुछ बच्चों को एनिमल की अजीब सी ड्रेस पहनकर घूमते हुए देखा है। तो एलेक्स कहती है कि जिन्हें तुम बच्चे समझ रहे हो वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है और उनमें से एक मेरे घर में है, मगर जून और उसके साथियों को वहाँ कोई ड्रैगन नहीं दिखाई देता। तो एलेक्स कहती है कि उसके पंख है और वो इनविजिबल भी हो सकता है। तभी थंडर खिड़की से जागता है जिसे एलेक्स देख लेती है और डरकर भागने लगती है। तभी वो इनविजिबल ड्रैगन से टकरा जाती है जिसकी वजह से सभी को पता चल जाता है कि एलेक्स ही बोल रही है। तभी वहाँ एलेक्स की मोम आ जाती है जिसे देखकर टॉम एलेक्स से कहता है कि तुम मोम को ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं बताओगी। फिर एलेक्स की मोम अंदर आ जाती है जो टॉम और बाकी के लोगों को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स का भी कोई फ्रेंड होगा। फिर एलेक्स अपनी मोम को बताती है कि हम सभी यहाँ मूवी पार्टी करने वाले थे, तो उसकी मोम सभी के लिए पॉपकॉर्न लेकर आती है जिसे इनविजिबल ड्रैगन खा लेता है। ये देखकर एलेक्स की मोम चौंक जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि पॉपकॉर्न को डी ने खाया होगा। उसके बाद वो सभी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर टॉम उस ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करता है मगर उसे नहीं पकड़ पाता। सभी के कोशिश करने के बाद भी ड्रैगन उनके हाथ नहीं आता तो सभी बाहर चले जाते हैं, मगर टॉम बाहर नहीं जाता और एलेक्स से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यह ड्रैगन तुम्हारे पीछे यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि वो तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। यह सुनकर एलेक्स समझ गई थी कि टॉम और उसके साथियों के पास अपने ड्रैगन है। तो टॉम कहता है कि हमें जो ड्रैगन मिले थे अब वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है और ये ड्रैगन भी तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ बैठकर उससे दोस्ती करनी चाहिए। टॉम की बात मानकर एलेक्स बैठ जाती है और उसे बताती है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ मेरे साथ कुछ बुरा होता है और इसी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलती। ये सुनकर एलेक्स उसे समझाता है कि हर समय ऐसा नहीं होता, तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी चाहिए और अगर वो ड्रैगन तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारे पीछे क्यों आता, वैसे भी ड्रैगन बहुत अच्छे होते हैं इसीलिए तुम्हें उनसे दोस्ती करनी चाहिए। और इस तरह से टॉम एलेक्स की दोस्ती ड्रैगन से करवा देता है। उसके बाद टॉम अपने साथियों के पास वापस चला जाता है जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी डी को अपने डेड का कॉल आता है जो डी को बताते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी में कुछ चेंजेस किए हैं। तभी वहाँ कुछ लाइट चालू हो जाती है जिसे थंडर खराब करने की कोशिश करता है, मगर उसकी पावर भी लाइट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इस वजह से सभी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी कुछ गार्ड वहाँ जाते हैं जिनसे बचने के लिए जून अपने ड्रैगन से हाई ट्रिक यूज करने के लिए कहती है। तो ड्रैगन अपनी पूरी पावर से स्मोक कर देते हैं जिसकी वजह से गार्ड को कुछ दिखाई नहीं देता और सभी वहाँ से निकल जाते हैं। मगर तभी डी के डेड वहाँ आते हैं जिन्हें देखकर डी अपने ड्रैगन से हाई ट्रिक यूज करने को कहता है और ऐसा करके वो दोनों बच जाते हैं। उसके बाद सभी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं, मगर तभी एलेक्स के ड्रैगन को जुगनू दिखाई देता है जिन्हें देखकर वो ड्रैगन के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी ड्रैगन को एलेक्स की मॉम दिखाई देती है और उनकी तरफ जाने लगता है। जब एलेक्स उन्हें जाने से रोकती है तो अभी वो नहीं रुकता। फिर एलेक्स कहती है कि ह्यूमन वर्ल्ड हम ड्रैगन के लिए सही नहीं है। यह सुनकर ड्रैगन रुक जाता है और फिर से एलेक्स के पास आ जाता है। तभी एलेक्स की मॉम उनकी तरफ आने लगती है। ये देखकर ड्रैगन अपना हाई ट्रिक से खुद को और एलेक्स को प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद सभी उड़कर ड्रैगन की ओर में आ जाते हैं। उसके बाद एलेक्स अपने ड्रैगन का नाम फेदर रखती है और उसे छिपने के लिए कहती है, मगर वो नहीं छिपता और एलेक्स के साथ खेलने लगता है। इसी तरह सभी ड्रैगन आपस में दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद सभी अपने घर पर सो रहे होते हैं तभी अचानक से भूकंप आता है जिसकी वजह से सभी बहुत डर जाते हैं। तभी एक अलार्म बजता है और सभी लैब में इकट्ठा होते हैं जहाँ टॉम की मॉम सभी को बताती है कि हर बार का भूकंप लैब के नीचे से होकर निकल जाता है, मगर इस बार के भूकंप ने हमारे नीचे की कुछ चट्टानों को खिसका दिया है। अब अगर फिर से भूकंप आता है तो धीरे धीरे लैब गिरने लगेगी। फिर ओलिविया बताती है कि आखिरी बार जो भूकंप आया था उसकी वजह से कुछ चट्टानों में छेद हो गए हैं जिसकी जैसे बार बार ये जगह हिल रही है, इसीलिए मेरा मानना है कि हमें इन कीओ में जाकर ब्लास्ट करना होगा जिसकी वजह से ये जगह हिलना बंद हो जाएगी। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो ओलिविया की बात से एग्री नहीं करती, मगर सबके फोर्स करने पर वो लेडी मान जाती है। ये सब
टॉम और उसके साथी भी सुन लेते हैं और उन्हें अब समझ में आ गया था कि जल्दी ड्रैगन कीओ को तोड़ दिया जाएगा। इसीलिए सभी अपने ड्रैगन के पास जाते हैं जो कि भूकंप की वजह से छिप रहे थे। सभी अपने ड्रैगन से लास्ट बार मिलकर उन्हें बताते हैं कि अब ये कीओ तुम लोगों के लिए सेफ नहीं है, इसीलिए तुम सभी को ड्रैगन वर्ल्ड में जाना होगा। टॉम अपने दोस्तों की बात मानकर सभी ड्रैगन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ भूकंप की वजह से जो स्टेशन टूट गया था उसे लैब के सभी लोग मिलकर ठीक कर देते हैं और खाई के अंदर जाने के लिए एक क्रेन लिफ्ट लटकाते हैं। दूसरी तरफ टॉम और उसके साथियों को पता चलता है कि एक बड़ा सा ड्रोन है जो चट्टानों में छेद करता है, जिसकी वजह से झटके लगते हैं और यही रीजन है कि बार बार भूकंप आता है। तो जून कहती है कि हमें इस बारे में सभी को बताना होगा, अगर हमने ड्रैगन के सीक्रेट की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया तो पूरी लैब खाई में गिर जाती है। मगर टॉम इस बात के लिए एग्री नहीं होता और वो फिर से अपने ड्रैगन्स की मदद लेने के लिए सोचता है। इसीलिए वो खाई में लगाई हुई लिफ्ट के पास जाते हैं और उन्हें एलेक्स कैमरे को हैक करके रास्ता बताती है। वहीं वो लोग लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं जहां टॉम और जून लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं और डी लिफ्ट को खाई में उतारता है। जब वो लोग खाई के अंदर पहुंचते हैं तो वही ड्रैगन उनकी लिफ्ट के आसपास घूमता है मगर उन पर हमला नहीं करता, लेकिन लिफ्ट की रस्सी खत्म होने की वजह से वह आगे नहीं जा पा रही थी, इसीलिए डी लिफ्ट को झूले की तरह हिलाता है। तभी वहाँ और बाकी के लोग आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिस्टम में कुछ खराबी है। अपने डेट को देखकर डी छिप जाता है, फिर डी के डेड लिफ्ट को वापस ऊपर लाने लगते हैं। ये देखकर टॉम और जून लिफ्ट से कूद जाते हैं मगर वो खाई में गिरने लगते हैं। लेकिन बड़ी मेहनत के बाद वो ड्रैगन वर्ल्ड की केव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि केव के अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया है और वहाँ पड़े स्टोन को हटाने लगते हैं मगर उन्हें हटा नहीं पाते और वापस जाने का भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ फिल और टॉम की माँ खाई के अंदर केव में ब्लास्ट करने के लिए आते हैं और वो केव में ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो लिफ्ट पर हमला कर देता है और लिफ्ट भी एक स्टोन में अटक गई थी जिसकी वजह से ऊपर नहीं जा पा रहे थे। तभी टॉम अपने ड्रैगन को आवाज देकर बुलाता है। काफी देर बाद टॉम का ड्रैगन बाकी ड्रैगन के साथ आकर केव के स्टोन को गाड़ देता है और सभी मिलकर उस बड़े ड्रैगन पर हमला करते हैं। वहीं लिफ्ट के अंदर से टॉम की मॉम उसे ड्रैगन के साथ उड़ता देख लेती है मगर उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। तभी थंडर अपने हमले से लिफ्ट को चट्टानों से निकाल देता है, लेकिन अब उसकी लड़ाई उस बड़े ड्रैगन के साथ होने लगती है जो कि बेहद खतरनाक थी। तभी वहाँ थंडर की मदद करने के लिए जून और डी आते हैं और उस ड्रैगन पर हमला करते हैं। तभी जून अपने ड्रैगन की मदद से उस ड्रैगन के मुंह को सील कर देती है, लेकिन काफी देर तक लड़ने की वजह से सभी ड्रैगन की पावर खत्म हो जाती है और अब ड्रैगन की सील भी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो सभी पर हमला करने लगता है। मगर तभी वहाँ एलेक्स अपने ड्रैगन को लेकर आती है जो अपनी साउंड से उस ड्रैगन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन खाई में गिरने लगता है। मगर वो अपने साथ टॉम और उसके ड्रैगन को भी ले जाता है। ये देखकर सभी काफी दुखी होते हैं और उन्हें लग रहा था कि टॉम अब मर गया, लेकिन तभी टॉम थंडर के ऊपर बैठकर वहां आता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश होते हैं। उसके बाद सभी लेब जाते हैं जहां टॉम अपनी मॉम से मिलता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि खाई में मैंने तुम्हें देखा है। उसके बाद सभी टॉम की माँ की तारीफ करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ब्लास्ट की वजह से अब भूकंप नहीं आएगा। उसके बाद टॉम अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन कीओ में जाता है जहां सभी कीओ में अपने हाथ के निशान छापते हैं। तभी थंडर अपनी पावर से अपना सिंबल बनाता है, जिसे देखकर टॉम हैरान रह जाता है क्योंकि यह वही सिंबल था जैसा उसके वाइकिंग के हेलमेट पर बना हुआ था और उसे लग रहा था कि हो सकता है कि वाइकिंग्स की स्टोरी सही हो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस जल्दी इस चैनल पर 1 मिलियन होने वाले हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।